तो फाइनली आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि भाई पार्ट थ्री बनाओ, तो ये है पार्ट थ्री। और आज हमारे पास है बहुत सारे ऑर्बिज, और इन सारे ऑर्बिज को इनके अंदर डाल देंगे। तो आप पहले लेंगे मिल्क, आप लेंगे कोकोनट वाटर, और बहुत दूर से ले आए गन्ने का जूस, और यह है सबसे खतरनाक चीज सल्फ्यूरिक एसिड, प्लीज डोंट ट्राई एट होम। तो चलिए फाइनली इनके अंदर डालेंगे इन ऑर्बिज को। गजब यार, ऑर्बिज को एसिड में डालने के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ। तो चलिए अब एक दिन के बाद देखेंगे क्या होता है। मिल्क वाला ऑर्बिज तो पूरा फूल गया, लेकिन गम की तरह चिपक गया यार। मेरे हिसाब से कोकोनट वाटर वाला ज्यादा नहीं फूला, और ये है गन्ने का जूस वाला ऑर्बिज, ये भी सारे आपस में चिपक गए। और फाइनली ये है एसिड वाला ऑर्बिज जो बहुत ही कम फूला है, लेकिन अभी भी ये बहुत ही ज्यादा गर्म है, और ये हमारा प्लेट को पूरा बर्बाद कर दिया।